वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल आह प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बर्थमार्क। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है डैनियल, बंदी का नाम है जेनिफर। डैनियल एक आर्मी ऑफिसर होता है। फिलहाल इन दोनों की लव मैरिज हो रही होती है। शादी होने के बाद डैनियल जेनिफर से ही कहने लगता है कि हम लोग हमारे फ्यूचर में 5 बच्चों को पैदा करेंगे। लेकिन शादी होने के कुछ दिनों बाद ही डैनियल अपने बेस पर लौट जाता है, मतलब बुलावा आता है चला जाता है। उसके बाद जब जेनिफर 8 महीनों की प्रेग्नेंट होती है तब जाके डैनियल अपने घर वापस आता है। खैर अब डैनियल जेनिफर को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। डैनियल के गांव के थोड़ी दूरी पर दवंत्री नाम का एक सेंटर होता है। उस सेंटर पर जेनिफर की डिलीवरी करवाना चाहता है। उस दवंत्री सेंटर में सब कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट होते रहता है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई इंग्लिश दवाई, ना कोई सर्जरी। काफी सारी औरतों की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है वहाँ पर। सो डैनियल जेनिफर को लेकर उसी दवंत्री सेंटर पर जाने लगता है ताकि जेनिफर की भी नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा हेल्थी पैदा हो। रास्ते में जाते समय जेनिफर डैशबोर्ड में गन को देखती है। डैनियल से पूछने लगती है कि हम तो एक हॉस्पिटल पर जा रहे हैं, तुम गन को अपने साथ क्यों लाए। डैनियल कहने लगता है, अरे जेनी, ये सब कुछ पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, पता नहीं कब कहां से कौन सा जानवर आ जाए, सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। अब जंगल का रास्ता होने पर ढंग से रोड भी नहीं होता, जिसकी वजह से जेनिफर को तकलीफ होने लगती है, इसको वॉमिटिंग्स आने लगते हैं। डैनियल फटाफट से अपनी गाड़ी को साइड में रुकाता है ताकि जेनिफर को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। उसी वक्त इन दोनों के पास सेबेस्टियन नाम का एक गूंगा बंदा आता है। इसको देखकर तो ये दोनों बहुत डरने लगते हैं। सेबेस्टियन इशारों में ही इन दोनों से कहने लगता है कि वेलकम टू दवंत्री सेंटर। डैनियल पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम। सेबेस्टियन कहने लगता है कि मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। यहाँ से दवंत्री को जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, 1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो दवंत्री आ जाएगी। ऐसा कहते हुए सेबेस्टियन डैनियल और जेनिफर की बैग्स वगैरह लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर व्हीकल्स नॉट अलाउ होने की वजह से डैनियल और जेनिफर सेबेस्टियन को ही फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से बहुत दूर पैदल चलने के बाद बेचारी जेनिफर से नहीं हो पा रहा होता, इसे बहुत प्यास लगने लगती है। ऑलरेडी इनके पास पानी खत्म हो चुका होता है तो डैनियल फटाफट से सेबेस्टियन के पास जाकर उसे रुकाकर पानी पूछने लगता है कि और कितनी दूर है, पानी कहाँ पर है यहाँ पर। तो ठीक उसी जगह पर एक छोटा सा नल होता है तो डैनियल बॉटल में पानी भरकर जेनिफर को लाकर देता है। तब जाके जेनिफर को सांस आती है, टैबलेट खाने लगती है। उसके बाद ये तीनों दोबारा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं। तो फाइनली ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये तीनों दवंत्री सेंटर पर आ जाते हैं। जब डैनियल और जेनिफर एंटर हो रहे होते हैं उसी वक्त एक वाइफ एंड हस्बैंड अपने बच्चे के साथ वहां से बाहर जा रहे होते हैं और जेनिफर ये ऑब्जर्व करती है कि वो औरत खुश नहीं है। खैर उसके बाद वो वॉचमैन सेबेस्टियन डैनियल और जेनिफर की बैग्स को चेक करने लगता है। ये देखकर डैनियल फटाफट से यहाँ पर आकर सेबेस्टियन को डांटने लगता है कि बिना हमारे परमिशन के हमारे बैग्स कैसे चेक कर सकते हो। सेबेस्टियन इशारों में कुछ बताने की कोशिश करने लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें नॉट अलाउड है। सो इन दोनों के झगड़े को देखकर अम्मलू नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है और बहुत ही सुकून के साथ डैनियल को समझाने लगती है कि सर सेबेस्टियन कह रहा है कि यहाँ पर सिगरेट, तंबाकू, दारू अलाउ नहीं है, अगर आपके बैग में है तो प्लीज आप साइड में रख दीजिए। तो गुस्से में आकर डैनियल अपने बैग से 4 दारू की बोतल्स और बहुत सारे सिगरेट्स पैकेट्स को साइड में निकाल देता है। उसके बाद अमलू इन दोनों को रिसेप्शन पर लाकर इन दोनों को कोई जूस देने लगती है, कोई आयुर्वेदिक जूस, और ये जूस सच में बहुत ही कड़वा होता है लेकिन फिर भी ये दोनों पी लेते हैं। बाद में अमलू इन दोनों के सामने एक अग्रीमेंट को रखते हुए कहने लगती है कि आप दोनों को इस अग्रीमेंट पेपर पर साइन करना होगा, मैं ही आपकी डिलीवरी करवाऊंगी। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते, कल एक के बाद एक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अमलू एक्सप्लेन करते हुए इन दोनों को इनका कमरा दिखाने लगती है और सच में ये कमरा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सब कुछ नेचुरल। यहां से जाते आते अमलू जेनिफर से कहने लगती है कि आज शाम एक पूजा रखी है और उस पूजा में आपको शामिल होना पड़ेगा, कुंदवी अम्मा ने आपको याद दिलाने के लिए कहा। जेनिफर पूछने लगती है कि ये कुंदवी अम्मा कौन है। अमलू कहने लगती है, अरे इस सेंटर की बड़ी वही तो है, वही आपका ट्रीटमेंट करेंगी। खैर शाम होने के बाद जेनिफर रेडी शेडी होते हुए डैनियल से यही कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये प्लेस कुछ ठीक नहीं है, चलो ना हम शहर में ही चलते हैं। लेकिन डैनियल जेनिफर की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, बस यही कहने लगता है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद जेनिफर उस पूजा प्लेस पर जाती है तो वहाँ पर काफी सारी औरतें होती है जो जेनिफर को बीच में बिठाकर
वो सारी औरतें जेनिफर के गोल गोल घूमते रहते हैं, कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं, कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ते रहते हैं। इस सारे रिचुअल को देखकर जेनिफर को चक्कर आने लगते हैं। उसी वक्त जेनिफर के पास कुंदवी अम्मा आती है, इसके सर पे हाथ रखकर कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चे को खतरा है, तुमको अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस तरह से जेनी को थोड़ा वार्न करने लगती है। जब जेनिफर वापस अपने कमरे में आकर सो रही होती है तो जेनिफर को कुंदवी अम्मा की ही बातें याद आती रहती है, वो रिचुअल्स। उसी कमरे में डेनियल नीचे सो रहा होता है। जेनिफर डरते हुए डेनियल से कहने लगती है कि आप क्यों नीचे सो गए, मेरे पास आकर सो जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डेनियल कहने लगता है कि मुझे आर्मी में ऐसे ही अकेले सोने की आदत हो चुकी है, मैं यहीं पर हूँ, तुम आराम से सो जाओ। एक्चुअली डेनियल मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका होता है, मतलब दुश्मनों को मारना, उनको टॉर्चर करना या वो लोग इसे टॉर्चर करना, ऐसा कुछ हुआ होता है इसकी जिंदगी में, इसीलिए डेनियल थोड़ा खोया खोया सा रहता है। खैर लेकिन बाद में डेनियल फाइनली जेनिफर के बगल में आकर सो जाता है, तब जाके जेनिफर को थोड़ी तसल्ली होने लगती है। सुबह होने के बाद जेनिफर कुंदवी अम्मा ने जो कहा था कल रात, वो सारी बात डेनियल को सुनाने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो ना हम यहाँ से चलते हैं। इसी बातों ही बातों में तभी जेनिफर के पेट में का बच्चा हिलने लगता है। बात यह है कि जब जब जेनिफर का बच्चा हिलने लगता है तो जेनिफर को पेन स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस बार किसी भी तरह का पेन नहीं होता जेनिफर को। ये बात डेनियल को बताने पर डेनियल जेनिफर से कहने लगता है, अब समझ में आई तुमको कि क्यों मैं तुमको यहाँ पर ले आया, तुम फिक्र मत करो, ये लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए ही करता हूँ। तो जेनिफर को भी थोड़ा हौसला मिलने लगता है कि चलो हाँ यहीं पर रुक जाते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद डेनियल इस सेंटर से थोड़ी दूरी पर जाकर अपने छुपाए हुए सिगरेट्स को पीने लगता है, तो उसी वक्त वो वॉचमैन सेबेस्टियन वहाँ से गुजरने लगता है और ये भाप लेता है कि यहाँ से सिगरेट की स्मेल आ रही है। डेनियल के पास जाकर इसके पास स्मेल सूंघने लगता है, पूछने लगता है क्या सर आपके पास सिगरेट्स है, तो डेनियल गुस्से में आकर अपने पॉकेट से सिगरेट पैकेट निकालकर सेबेस्टियन के हाथ में थमा देता है। इस तरफ सेंटर में जेनिफर के पास आशा नाम की एक ट्रांसजेंडर आती है, ऑयल लेकर इसके पेट को मसाज करने लगती है और इसी तरह धीरे धीरे इसके प्राइवेट पार्ट पर भी मसाज करने की कोशिश करने लगती है। तभी जेनिफर उठ बैठती है, अमलू को बुलाकर कहने लगती है कि ये मसाज मुझे पसंद नहीं आया, कि यहाँ पर कोई और लेडी डॉक्टर नहीं। अमलू यही कहने लगती है कि फिलहाल कोई भी लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, मेल डॉक्टर ही है। उसी वक्त डेनियल यहाँ पर पहुँच जाता है। जेनिफर डेनियल से यही कहने लगती है कि मुझे ये प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। अमलू कहने लगती है कि आप दोनों ने अग्रीमेंट पर साइन किया, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप दोनों को यहीं पर रुकना होगा। अब डेनियल भी यही कहने लगता है कि अब हम हमारे बच्चे को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। उसके बाद वो सेंटर वाले डेनियल को कुछ दवाइयाँ देकर जेनिफर को टाइम टू टाइम खिलाने के लिए कहते हैं, तो डेनियल उसी तरह से जेनिफर को देने लगता है। उसके बाद अमलू इन दोनों को एक सफ़ेद पेंटिंग वाले रूम में लाती है, कहने लगती है कि एक प्रेयर रूम है, आप लोग यहाँ पर आपके भगवान की प्रार्थना कर सकते हो। अब ये दोनों क्रिश्चियंस होने की वजह से अपने ही स्टाइल में प्रेयर करने लगते हैं। अब इसी दरमियान में जब डेनियल प्रेयर कर रहा होता है तो डेनियल को वही वार के सीन्स नजर आते रहते हैं कि दुश्मनों को मारना, टॉर्चर करना, सच में बहुत ही डिस्टर्ब होता है ये बंदा। यह होने के बाद अमलू जेनिफर को एक गाय के पास लाकर इसका दूध निकालने के लिए कहती है। एक्चुअली दूध निकालना तो बहाना है, इस पोजीशन पर बैठना एक एक्सरसाइज होता है, वही जेनी से करवाते रहते हैं। उसके बाद आशा जेनिफर के हाथ में काफी सारे धान देकर यहाँ से वहाँ पर वॉकिंग करने के लिए कहती है और वॉकिंग करते समय एक भी धान का दाना नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो जेनिफर इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करने लगती है। दूसरी तरफ डेनियल को अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं। एक्चुअली बचपन में ही इसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, बचपन में ही इसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। अब डेनियल के बचपन में जिस तरह से हालत हुई उसी तरह से इसके बच्चे की भी ना हो, जिसके लिए जेनिफर की बहुत केयरिंग करते रहता है। थोड़ी देर के बाद डेनियल दारू पीने के लिए अपनी गाड़ी लेकर इस सेंटर से बहुत ही दूर जाने लगता है। इस तरह से जाते समय बीच रास्ते में ही इसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। डेनियल बहुत देर तक उसी रास्ते पर इंतजार करते रहता है कि शायद कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, लेकिन शाम होने को आती है, यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरती और उसी तरह डेनियल पागलों की तरह हरकतें करते रहता है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता। दूसरी तरफ अमलू और आशा जेनिफर के हाथ एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, किसी बाथटब में बिठाकर ब्रीथ करवाते रहते हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपनी ट्रक लेकर वहाँ से गुजरने पर डेनियल उसकी गाड़ी को देखता है, तो चुपचाप अपनी ट्रक से रस्सी निकालकर डेनियल की गाड़ी को बांधकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। कहने लगता है कि मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ।
डेनियल कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। इस तरह से सेबेस्टियन को गालियां देने लगता है, तो सेबेस्टियन को डेनियल की बातें पसंद नहीं आती। वो बीच रास्ते में ही खड़ा रहता है, कहने लगता है कि पहले आप मुझे सॉरी बोलो, तभी मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। डेनियल को बहुत गुस्सा आता है कि ये अपनी गन लेकर इसको ठोक दें, लेकिन बाद में ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए सेबेस्टियन को सॉरी बोलने लगता है। तब जाके सेबेस्टियन डेनियल उसकी गाड़ी को लेकर उस सेंटर पर लाता है। जब जेनिफर अपने कमरे में आती है तो डेनियल वहाँ पर मौजूद होता है। पूछने लगती है कि अरे आप कहाँ पर चले गए बिना मुझे बताए? जिस तरह से तुम हमारी शादी होने के बाद दोबारा आर्मी में चले गए, इस तरह से तुम दोबारा चले गए होंगे, यही सोचकर मैं बहुत दुखी होने लगी। डेनियल जेनिफर को समझाने लगता है, अरे बस कुछ नहीं, वॉकिंग पर गया था। सो इसी बातों ही बातों में जेनिफर को जबरदस्त तरीके से पेन स्टार्ट होते हैं। डेनियल फटाफट से आशा को बुलाने लगता है। आशा जेनिफर को चक्करते हुए कहने लगती है कि पेट में बच्चे का मूवमेंट नहीं है और इसी तरह जेनिफर को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह से वो कुंदवी अम्मा को बुलाने लगती है, तो कुंदवी अम्मा जेनिफर के पास आकर इसके पेट पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। तब जाके जेनिफर के पेट में का बच्चा हरकत में आता है और उसी तरह जेनिफर अच्छे से सांस ले पाती है। जाते जाते डेनियल से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो तुम। एक्चुअली जब कुंदवी अम्मा जेनिफर को छूती है तो उसके बच्चे को फीचर को देखा होता है कुंदवी अम्मा ने। खैर दूसरे दिन अमलू जेनिफर के लिए वही आयुर्वेदिक दवाई लाकर देती है। इस दवाई को देखकर जेनिफर पूछने लगती है, अरे ये क्या तुम आज नई दवाई लेकर आई? अमलू कहने लगती है, अरे नहीं दीदी, हर रोज यही दवाई मैं आपके पति को दे रही हूँ आपको देने के लिए, क्या आपके पति ने आपको नहीं दिया? तो जेनिफर थोड़ा सोचते हुए कहने लगती है, हाँ 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 मैंने खा लिया था दवाई, मैं भूल गई। और मन ही मन ये सोचने लगती है कि डेनियल मुझे ये दवाई क्यों नहीं दे रहा? क्या दवाई ना देने की वजह से ही मुझे पेन स्टार्ट हुए थे कल? क्या डेनियल हमारे बच्चे को मारना चाहता है? नहीं नहीं, वो तो उसका ही बच्चा है ना, वो क्यों ऐसा करेगा? और इसी तरह जेनिफर ये भी सोचने लगती है कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए हैं, डेनियल जेनिफर से ढंग से बात नहीं कर रहा। डेनियल जेनिफर के पास आने पर यही सवाल पूछने लगती है कि आप मेरे साथ क्यों प्यार से नहीं बर्ताव कर रहे हो? आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया? डेनियल मुझे यहाँ पर नहीं रहना, चलो अब भी कभी हम यहाँ से निकलते हैं। यह सुनने के बाद डेनियल हल्के से जेनिफर पर गुस्सा करने लगता है कि जब तक हमारा बेबी पैदा नहीं होता हम दोनों यहीं पर रहेंगे। जेनिफर कहने लगती है, तो फिर ठीक है, इन दो हफ्तों में आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर रहूँगी। तो डेनियल भी इसके लिए ओके कह देता है। उसके बाद जेनिफर डेनियल को ऑयल लेकर इसके पेट पर मसाज करने के लिए कहती है। जब डेनियल मसाज कर रहा होता है तो पता नहीं इस बेबड़े को क्या हो जाता है, जोर जोर से मसाज करने लगता है। जेनिफर को बहुत हट होने लगता है जिसकी वजह से डेनियल को दूर धक्का दे देती है। उसी वक्त डेनियल खिड़की से बाहर देखने पर कोई बंदा नजर आता है इसको, तो डेनियल उस जंगल की ओर जाने लगता है जहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं होता। उसी वक्त वो सेबेस्टियन डेनियल को रोकने लगता है, इशारों में कहने लगता है कि सर आपको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, किसी भी इंसान को वहाँ पर अलाउ नहीं है। डेनियल को गुस्सा आकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं खुद दूसरों को ऑर्डर देता हूँ। इस तरह से सेबेस्टियन का कॉलर पकड़ने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर नॉर्मल चेकअप के लिए आशा के पास आती है। बातों ही बातों में आशा कहने लगती है, अरे हमने आपके पति को बता दिया ना कि कब आपकी डिलीवरी होगी, क्या आपके पति ने आपको नहीं बताया? तो ये सुनने के बाद जेनिफर शॉक में रह जाती है कि डेनियल ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, आखिरकार वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ डेनियल और सेबेस्टियन के बीच हल्के से हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान सेबेस्टियन सारे लोगों के सामने डेनियल को एक छापड़ लगाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जेनिफर और अम्मू आकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसी झगड़े की वजह से डेनियल जेनिफर बहुत गुस्सा करने लगता है, लेकिन बाद में जब ये दोनों अपने कमरे में आते हैं तो डेनियल जेनिफर को सॉरी बोलने लगता है कि मैं गुस्से की हालत में तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो। दूसरे दिन वो सेबेस्टियन जेनिफर को अपने पास बुलाकर यही बताने की कोशिश करने लगता है कि आपका पति कुछ गलत कर रहा है, आपका पति ठीक नहीं है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डेनियल आकर जेनिफर को समझाने लगता है कि अरे वो कुछ नहीं, कल का इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, कल इसने किसी जगह पर जाने से मना किया था, मैं उसी जगह पर जा रहा था तो इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस तरह से बात को कवर करने लगता है। शाम होने के बाद जेनिफर को दोबारा उसी बाथटब का एक्सरसाइज करवाते रहते हैं। रात होने के बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो डेनियल अपने कमरे से बाहर आकर सेबेस्टियन के हाथ एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाने लगता है। गड्ढा खोदने के बाद शायद डेनियल अपनी गन लेकर सेबेस्टियन को मार देता है और उसी गड्ढे में दफना देता है। दूसरी तरफ जेनिफर जब अपनी आंखें खोलती है तो इसके बगल में डेनियल मौजूद नहीं होता। ये सोचने लगती है कि आ जाएगा, बाहर गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ डेनियल किसी जगह पर बहुत दारू और सिगरेट्स पीते रहता है।
सुबह होने के बाद जेनिफर अमलू और आशा के पास आकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है कि कल रात से मेरा हस्बैंड नजर नहीं आ रहा, प्लीज आप जाकर देखिए ना। उसी वक्त डेनियल अपने नए लुक के साथ जेनिफर के सामने आता है, मतलब अपनी मूछें और दाढ़ी मुंडवा कर। जेनिफर पूछने लगती है कि इतनी देर आप कहां पर थे। डेनियल कहने लगता है एक छोटे से काम से टाउन गया था। इस तरह से कहते हुए जेनिफर को अपनी गोदी में उठाकर अपने कमरे में लाता है। जेनिफर अपने मन में जो सवाल है वो डेनियल से पूछने लगती है कि आप क्यों हर रोज अमलू की दी हुई दवाई मुझे नहीं दे रहे थे। डेनियल कहने लगता है कि मुझे लगा कि शायद उस दवाई से तुमको एलर्जी होगी, इसलिए मैंने नहीं दिया। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए करता हूँ, हमारी बेबी के लिए करता हूँ। और वैसे भी तुमने विश की थी ना कि दो हफ्तों तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, इसलिए मैं नए लुक के साथ तुम्हारे सामने आया। और इसी तरह एक पत्थर पर इन दोनों के नाम लिखकर जेनिफर को गिफ्ट करने लगता है। उसी रात जब डेनियल और जेनिफर सो रहे होते हैं, जेनिफर को बाथरूम जाने पर यह अपनी बिस्तर से उठती है तो तभी जेनिफर की नज़र डेनियल के डायरी पर पड़ती है और डेनियल ने इस डायरी में ये लिखा होता है कि वो बेबी मेरा नहीं है, जेनिफर का चक्कर किसी और के साथ है। सो दूसरे दिन जब डेनियल प्रेयर रूम में जाकर प्रेयर करते रहता है, जेनिफर डेनियल की गन लेकर इस पर पॉइंट आउट करने लगती है, पूछने लगती है कि तुमने उस डायरी में ये क्यों लिखा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। डेनियल कहने लगता है कि जब हम दोनों की शादी हुई थी उसी वक्त मैं वार के लिए आर्मी पर चला गया, आर्मी में मैं सिर्फ 6 महीने ही था, लेकिन जब मैं वापस आने के बाद तुम 7 महीनों की प्रेग्नेंट थी, जिसका मतलब तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, इसीलिए इस बच्चे को मारने के लिए मैं तुमको यहाँ पर ले आया। जेनी हम इस बेबी को गिरा देंगे, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, जैसा हमने पहले सोचा था ना कि हम दोनों 5 बच्चों को जन्म देंगे। जेनिफर को गुस्सा आकर डेनियल से कहने लगती है कि तुम वार पर जाने से पहले बहुत दारू पीकर मेरे पास आए थे, हमारी सुहागरात हुई थी, क्या ये तुम भूल गए। लेकिन डेनियल इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद जेनिफर अपने बाथरूम में आकर पेन की वजह से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। जब डेनियल जेनिफर के पास आता है तो जेनिफर एक पत्थर लेकर डेनियल के सर पे वार करके बाथरूम को लॉक करके इसके कमरे में आकर डेनियल के जो दारू के बॉटल्स होते ना, उन सारे दारू के बॉटल्स को इस कमरे में छिड़क कर इस कमरे को आग लगा देती है और वो फटाफट से जंगल की ओर भागने लगती है। लेकिन डेनियल किसी भी तरह से वहाँ से बच निकलता है, वो भी जंगल की ओर जाने लगता है, जेनिफर को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ जेनिफर भागते भागते एक तालाब के पास आती है और इससे और चला नहीं जाता, वो वहीं पर गिर जाती है। डेनियल जेनिफर के पास आता है और इसकी तकलीफ को देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करने लगता है, अपने आर्मी के दिनों को याद करने लगता है कि किस तरह से डेनियल ने भी सफर किया और डेनियल ने खामखा जेनिफर पर शक किया। इस तरह से डेनियल जेनिफर को संभालते हुए उस तालाब में जाकर सेंटर में जो एक्सरसाइज करवाया होता है ना, उसी तरह से जेनिफर की डिलीवरी करवाने की कोशिश करने लगता है। तो फाइनली जेनिफर एक बच्चे को जन्म देती है। उसी वक्त डेनियल अपनी जेब से चाकू निकालने लगता है। जेनिफर डेनियल से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को मत मारो, लेकिन एक्चुअली डेनियल नाभि को कट करने के लिए चाकू को निकाला होता है। फाइनली जेनिफर से माफी मांगकर इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।